भाई गाड़ी का तेल अब फाइनली खत्म हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई आज हम लेकर आ गए हैं, क्या लेकर आ गए हैं, ये छुपा रखा है मैंने, दो दो भाई 1 लीटर ये पेट्रोल है, ताज़ा ताज़ा पेट्रोल निकलवा के लाए हैं भाई पेट्रोल पंप से। और हम आज कुछ खुराफाती करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं भाई साहब 1 लीटर पेट्रोल माइलेज टेस्ट, जो कि आपको प्रॉपर अंदाज़ा दे देगा कि नेक्सॉन 2024 कितना माइलेज देती है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन में, जो कि प्रोड्यूस करता है 118 BHP विद 170 Nm के टॉर्क के साथ। भाई बारिश स्टार्ट होने वाली है तो इंट्रो तो छोटा ही होने वाला है, तो सबसे पहले अभी 40-50 किलोमीटर की रेंज बची है उसको ख़त्म करते हैं, इसका गला सुखाते हैं, फिर उसमें ताज़ा ताज़ा भरने वाले हैं हम पेट्रोल। स्टार्ट करते हैं यार, बने रहो बिना किसी देरी के। दोबारा इसको ऐसे पूरा वैक्यूम, पूरा बंद हो गया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गई, और कुछ नहीं हुआ, थोड़ा पानी है ये दिखाओ ना, उसी बोतल में भरी है ना, तभी कलर समझ में आएगा। नहीं थोड़ा सा है भाई, हमें पागल कर दिया टाटा नेक्सॉन ने भाई, तब से रिजर्व पे लगी हुई थी, पता नहीं 70-80 किलोमीटर चला दी, इस चक्कर में तो हमारी 2-3 वीडियो बन जाती भाई, ये खत्म ही नहीं हो रहा तेल इतना। क्या हो गया भैया? भाई तेल खत्म हो गया भाई गाड़ी का, फाइनली भाई तेल खत्म हुआ इस गाड़ी का, तब से परेशान कर दिया था, हमने सोचा इतने में ट्रिप ही मारा है, पर अब भाई गाड़ी रुक गई है बिल्कुल। गाड़ी अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ, वो देखो ये क्लच पूरा दबा दिया, ठीक है, न्यूट्रल पे देख रहे हो, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको बाहर से आवाज सुनाऊं ना, ना भाई जीरो, पेट्रोल इज जीरो, यहाँ भी देख सकते हो पूरा खत्म दिखा रहा है, ठीक है, तो अब क्या ही बचा भाई हमारे पास, अब करना ही पड़ेगा भाई। चलो निकालते हैं अपनी भाई तेल, अपना पेट्रोल निकालते हैं हम, जो कि हम लाए थे बिस्लेरी की 1 लीटर वाली बॉटल्स में लाए हैं, तो ये पूरा 1 लीटर वाला है भाई, सबने पिया ही होगा इसका पानी, तो भाई 1 लीटर है तो इसको डालते हैं और डालते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं भाई। अब करते हैं भाई इसका अपना पेट्रोल लिड खोलते हैं, यहाँ से हमारी खरीदी पेट्रोल लिड, ठीक है, और ये इसके इसकी प्यास को बुझाते हैं भाई, यहाँ से हमें खोलना है इसका पेट्रोल, देख लो भाई देख रहे हो पूरा खाली पड़ा है, अब इसमें हम डालने वाले हैं अपना पेट्रोल, चलो डालते हैं भाई, हम डाल रहे हैं इसमें अपना पेट्रोल, देखते हैं भाई 1 लीटर में स्टार्ट भी हो पाएगी या फिर नहीं, तो भैया चलो डाल दो, मतलब बड़ी प्यास भूजी होगी ना इसमें भाई, गला सूखा हुआ है गाड़ी का, गले में देखते हैं तरावट हुई है नहीं है, एक एक बूंद जिंदगी की जरूरी है तो सब ले लेंगे इससे हम, भाई देख लो पूरी बॉटल खाली हो चुकी है, और इसको रख लेते हैं वहाँ भाई। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि उसमें भरा भी है पेट्रोल या फिर नहीं, ठीक है, पेट्रोल भरा भी है या फिर नहीं, ये देख लो। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, कोई रेंज तो नहीं बढ़ी 1 लीटर में, वैसे क्या ही रेंज बढ़ेगी इसकी, ये देख लो इसमें आता अपना सेल्फ, और भैया को मैं बोल देता हूँ यहाँ गाड़ी स्टार्ट कर देना, ठीक है, कर दो भाई गाड़ी स्टार्ट, हमने देखते हैं इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1 लीटर तेल डाला है, देखते हैं भाई 1 लीटर तेल इनफ रहेगा इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए। भाई साहब एक ही अटेम्प्ट, भाई साहब एक अटेम्प्ट में भाई लिटरली गाड़ी स्टार्ट हो गई, और आपने काफ़ी मतलब काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें 1 लीटर में भी कहीं कहीं कोई कोई गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती, और भाई हमारी बिल्कुल ट्रक की तरह भाई यहां पर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बाकी अब देखते हैं कितनी ये गाड़ी चलने वाली है, और उसके बाद आपको इसका प्रॉपर हाईवे का माइलेज टेस्ट पता चल जाएगा।
चलिए भाई इसको हुड करते हैं बंद। भाई तो मैंने पकड़ ली फिर गाड़ी, अब देखते हैं कितनी माइलेज देने वाली हमारी गाड़ी। भाई यहाँ पर चलने वाली 80-90 के बीच में, छठे गियर पे लगेगी गाड़ी और सिटी जो इसका डिफॉल्ट मोड है उसी पे हमारी गाड़ी चलने वाली है। और चार बंदे हमारे साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं हाईवे पे और एसी हमारा ऑन है, उस हिसाब से भाई एक लीटर में आपको पता चल जाएगा ये हाईवे पे कितनी माइलेज देती है। और अगर मैं आपको बता दूं ये गाड़ी हमने स्टार्ट करी थी 3068 किलोमीटर से, अभी तक हमारी गाड़ी चल गई है 3072, मतलब 4 किलोमीटर चल गई है। तो भाई 4 की तो माइलेज ये नहीं देगी, धीरे धीरे कवर करते जाते हैं और आपको पता चल जाएगी इसकी प्रॉपर हाईवे की माइलेज। और अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है वही कुछ 14-15 किलोमीटर, तो देखते हैं। क्योंकि यार मैं अगर एक बात करूं भाई, गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक ही गो में स्टार्ट हो गई थी भाई, क्रूजिंग स्पीड पे हमने गाड़ी लगा दी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं इस माइलेज टेस्ट की, इस गाड़ी में हमारे साथ 4 लोग बैठने वाले हैं, तो भाई आपको भी आइडिया लग जाएगा जब आप भी अपनी फैमिली को लेकर निकलोगे तो कितनी माइलेज देगी आपकी गाड़ी। तो ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन 2024, इंजन स्पेक्स बताऊं 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन 118 bhp विद 170 nm के टॉर्क के साथ। अभी तक तो हमारी गाड़ी चल गई है 8 किलोमीटर, बाकी देखते हैं और कितना चलेगी हमारी गाड़ी। और भाई गाड़ी का तेल अब फाइनली खत्म हो चुका है, 17-17.5 की माइलेज हमारी कंपनियां क्लेम करती है। अब गाड़ी को लगाते हैं साइड में, देखते हैं कितनी की माइलेज गाड़ी देने वाली। भाई फाइनली गाड़ी तो हमारी बंद हो चुकी है और गाड़ी है ना हमारी ऑलमोस्ट चली है 3068 पे हमने बंद करी थी ये गाड़ी, और भाई आप देख सकते हो 3085 चली गई। इसका मतलब ये गाड़ी हमारी हमने जब चलाई थी तो 3068 पे निकाली थी और अब निकल गई है 3085 पे, गाड़ी बंद हो गई है फाइनली। और इसका मतलब ये है भाई कंपनी क्लेम करती है हमारी 17.5 किलोमीटर की माइलेज, और भाई गाड़ी भी 17 किलोमीटर चली है हाईवे पे। भाई ऑलमोस्ट एक्यूरेसी बिल्कुल बरकरार है जिस हिसाब से आप देख सकते हो, और हमने गाड़ी भी बड़े प्यार से चलाई है, एसी ऑन था, उस हिसाब से आप इसका माइलेज देख सकते हो भाई। और गाड़ी बंद हो चुकी है, अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ ना फिर से, ये देख लो यहाँ से अब मैं ऑन करने वाला हूँ, कुछ नहीं आ रहा भाई। अब मैं आपको बाहर जाके एक बार दिखाता हूँ और गाड़ी ऑन करवाते हैं किसी और से। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा भाई, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। इससे हमें यही पता चलता है भाई हमारी गाड़ी 17 की माइलेज दे रही है हाईवे पे। तो आप देख सकते हो हमने नेक्सॉन की माइलेज निकाल ली, और अब हम ट्राई करेंगे भाई इसका सिटी का भी माइलेज निकालने का, कोशिश बनी रहेगी और आप बने भी रहना वीडियो में, सिटी की भी माइलेज आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसी के साथ होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच।